एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या जमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। यह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान, आओ जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले, यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे देखने दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए, बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे है? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए है। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे है तेरे भगवान? हाँ ऐसे है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़के के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई, बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। इन्होंने में से किसी एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।